हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग डालने में मैं बहुत लेट हो गई हूँ। आज पांचवा या छठवां दिन है और छः दिन के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, क्योंकि ना फिलहाल मैं बहुत बिजी, कंटिन्यू शो वगैरह चालू है और ट्रैवलिंग चालू है, इसमें मुझे एडिटिंग का बिल्कुल ही काम नहीं मिल रहा। मेरे स्टोरेज पूरी फुल हो गए, मेरे पास इतने व्लॉग पेंडिंग है, बट मैं फटाफट अपलोड करने की कोशिश करूँगी अभी। तो चलो, मेरे को अभी आई होप आप लोग ने माफ़ कर देंगे, तो आगे का व्लॉग चालू कर दे। तो ये मार्केट में आप लोग ने देखा होगा, हम लोग मार्केट में आए थे, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था। तो इधर सब भाजी वगैरह ले रहे थे और बहुत अच्छी है, सस्ती सस्ती इधर भाजी मिलती है। हम लोग 2-2.5 किलो लेंगे ना तो सस्ती मिलती है, नहीं तो बहुत महंगी मिलती है। तो इधर सब ले रहे थे भाजी वगैरह। दोस्तों, ये लड़की पागल है, एक नंबर की। ऐसे करके एक मिर्ची गुल गुल कर दी, देखो देखो कैसे गुल कर दी, एक मिर्ची गुल कर दी छोटी। गाजर वगैरह ले लिए, अभी हम लोग जा रहे हैं फूल लेने के लिए। तो चलो चलते फटाफट। अस्मिता जी पंकज दादा फूल लेने गए। हाँ, हम लोग नहीं गए क्योंकि लिए सामान इधर था, सामान लेके किधर फिरेगी, इतना सारा सामान लेके किधर जाएगी, इसलिए हम लोग इधर वेट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारा भाजी वगैरह का सामान है, वो लेके फूल मार्केट में घूमेंगे, गर्दी बहुत है, इसलिए हम लोग दोनों इधर रुके हैं। इसलिए हम लोग दोनों इधर रुके और उन लोग जाके आ रहे। दो इतने फूल लेके आए, इतने ही लेके आए, दो पंकु दादा ने भी किया, पंकु दादा ने उच्चा उपा खाया, पंकु ने नहीं खाया उत्ता पा खा पी के बेटा, ये बोला था। और मैंने वेंदु वड़ा खाई। ये हमारा सामान इधर किधर जा रहे हैं, आके देखे। तो गाइस, घर में अभी आ गए हम लोग और यहाँ पर सब सामान वगैरह सेट कर दी हूँ। फ्रिज में जितनी जगह थी उतनी आपको बताती हूँ। पूरी फ्रिज पैक हो गई है, इतने फूल भी लिए हम लोगों ने। और इधर पूरी सब्जियाँ भरी पड़ी है, इसमें पूरी सब्जियाँ पूरी है। अभी बहुत नींद आ रही है। 2000 years later। हेलो गाइस, तो है ना मैं 1 बजे उठ गई थी, मैंने नाश्ता विश्ता कर दिया। अभी ना 2:10 हो गए और है ना अभी अस्मिता दी लोग अभी डीमार्ट जा रहे हैं और इन लोग की किरकिर चालू हो गई है। ऐसा मुक्का मारे तेरे को मिलता तो नहीं कुछ, आंधी साली तेरे को एक बूंद नहीं मिलेगा सर, पकल थोड़ा ही बचे पर चल भी नहीं रहा उतना। दीदी देना यार, तेरे मुंह में क्या दशा को कोई चीज ढूंढ के ना मिलती नहीं। डाल ना, ले दे डांस के लेट कर, हो गया डाल नहीं गया यार। अंदर
बगल दे जलेगा जलेगा ये उधर ही मारते हर बार। गाइज ये है फिलहाल हमारे हॉल की हालत, क्योंकि ये पूरे ना बेडरूम में काम चालू है, बेडरूम के सारे कपड़े और कुछ कुछ पसारा एक ही हॉल में भरे, नानी के रूम में ज़्यादा हम लोग डाल नहीं सकते पसारा। तो फिलहाल हमारे हॉल की हालत ऐसी, ऐसा लग रहा है किधर आए पता नहीं, लग ही नहीं रहा हमारा घर है, बट क्या करें ये सब पसारा है। तो कुछ नहीं, अभी शाम तक सब साफ़ हो जाने वाला है। तो कल पूजा है, मैंने आप लोगों को बताया क्या नहीं बताया पता नहीं, मैंने सुबह सुबह व्लॉग चालू किया था जो कि मैं आधी नींद में थी, तो मैंने आपको बताया क्या नहीं पता नहीं, पर अभी बता रही हूँ आप लोगों को। कल हमारे घर में पूजा है, तो वही सब पूजा का सब तैयारी कर रहे हैं। सुबह से भाजी लेने गए, हार फूल लेने गए, अभी थोड़ा सा डी मार्ट गए इन लोग राशन वगैरह लेने, और कुछ हमको कुशन्स लिए थे नए, आप लोग ने देखे होंगे व्लॉग में, तो वो सारे कुशन्स के लिए कवर वगैरह लेने गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अभी कर रहे हैं और बहुत चीज़ें चालू है। बहुत इरिटेट हो रहा है क्योंकि एक ही दिन हम लोग के पास है आज का दिन, उसमें हमको पूरा घर सेट करना है। इतना बिखरा हुआ है ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती, पूरे घर में धूल मट्टी ऐसा पूरा हॉल बिल किचन विचन। बट हमें आज की रात में, दिन भी नहीं हम लोग के पास, आज की रात है और सुबह सुबह हमको जल्दी 4-5 बजे उठ के पूरा खाना वीना बनाने का, क्योंकि 10 बजे पंडित जी आने वाले है। तो हालत ख़राब है बहुत गाइस। पूजा हाँ गाइस, हम लोग ने जब सोफ़ा लिए थे ना, तो ये हमको क्वेश्चन आने वाले थे तो ये आए थे नहीं, तो कल हम लोग ने उनको बोला कि उन लोग कब से बोल रहे थे आज बना के देते कल बना के देते, तो कल अश्मिता दी ने उसको बोला कि भाई कैसा भी करके हमको चाहिए क्वेश्चन, तो वो लेके आए हैं, मतलब उन्होंने बना के दिया फटक से, और पंकज लेके आया था कल ही आते आते। और भी कुछ कुछ चीज़ें चालू है जो क्या मैं बताऊँ, मेरे को याद भी नहीं, इतनी चीज़ें चालू है बिहाइंड द सीन, तो बहुत सारी चीज़ें। हाँ, और नेम प्लेट अश्मिता दी की नाम की नेम प्लेट है, वो भी आज आने वाली शाम को, वो भी पंकज लेके आने वाला है, जो कि मैंने और पंकज ने गिफ्ट दिया अश्मिता दी को नेम प्लेट, तो वो एक आने वाली, मतलब वो बाहर लगेंगी। और शाम को भी हमको बहुत सारे काम करने, पूरा घर सेट करना है, आगे आगे आपको बताते रहूँगी। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा काम भी करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ और आपको बताऊँगी भी रूम की मतलब क्या क्या हो रहा है काम, तो आपको सब बताती हूँ मैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग देख लो, इन लोग आ गए थे डी मार्ट में, तो दशा ने मेरे लिए शूट कर लिया था वीडियो, क्योंकि वो बोली दीदी इसको व्लॉग में डालना, उसको भी बहुत शौक है। तो ये सब इन लोग सब राशन वगैरह ले रहे थे, और इधर देखना आप लोग कैसे पागल चाले भी कर रहे थे इन लोग मिल के, इधर बैठे किंग साइज के बेडशीट ढूंढ रहे जब मिल नहीं रही हमें। इधर पहले देख, आगे किंग ये दिख रहा है, ये तो भी ठीक है, डार्क कलर दीदी ये देख, ये देखिए डार्क है पर डबल बेडशीट है, यही रह रहे चल मेरे बता कौन सी, ये वाली कौन सी, ये वाली ये छी छी नहीं दीदी बहुत गंदी लग रही, ये तो भी ठीक है, ये चादर ऐसी है दीदी, ये ठीक है, ये वाली तो भी ठीक है, नहीं अभी कौन सी चाहिए, ये ले भाई चल, ये भी डबल है ना, ये ले लेते हैं आपके नाम मिल गई, यही ले लेते हैं, क्या करें नहीं मिल रही है, ये तो भी डार्क कलर है, मैं भी तो होगी वाइट आगे नहीं, यहाँ से तो है ना, हाँ चल ऊपर चल जाएगा, फिर भी क्रीम कलर है भाई, आपका घर चॉकलेट ही करने वाले हैं आप थोड़े दिन तो क्या करें, मिल नहीं रहा तो कुछ सब बोले पूरे हो ही लगने वो भी कर दिए, मिल गया चॉकलेट मिल गया, फाइनली मिल गया, चलो पौधा भाई जैसे बैठे थे हम डबल बच्ची
क्या मतलब दीदी? आवाज नहीं होता, धड़म धड़म आवाज होता है। सही आते बोलिए ना, अपने घर में चूहे नहीं आते। हाय बाबू ठाकुर, ये आंख मुझे दे, उसको दिखा मुझे तो इधर चालू की नहीं तूने ये चालू। दीदी सामान तो ले ट्रॉली दीदी। तो गाइस देखा आप लोगों ने कैसे इन लोग के पागल चले जा रहे थे। इन लोग को है ना वो मैं नहीं मिल रही थी, क्या बोलते हैं हमारा किंग साइज बेड है ना, तो उसके लिए बेडशीट अच्छे कलर की नहीं मिल रही थी, इसलिए इन लोग नीचे बेड बैठ के सारे एक 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 चीजें निकाल के लिए थे। उसके बाद इन लोग आ गए थे घर। घर आने के बाद भी हम लोग की मेरी और प्राजक्ता की साफ सफाई चालू थी, क्योंकि ना अश्मी दादी का पहले ही फोन आ गया था, क्या ना पंडित जी आने वाले थे घर पे। वो क्यों आने वाले हैं, क्या है, वो सब आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएंगे आगे की फुटेज में। तो इधर मैं और दस में प्राजू इधर ना बाहर का हॉल साफ कर रहे थे, हॉल ही साफ कर रहे थे, बेडरूम वगैरह में अभी भी काम चल ही रहा था। और शेफाल दी इन लोग आए तो उन लोग भी हमारी मदद कर रहे थे। और है ना हम लोग इधर डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे सोफा कौन से साइड रखना, अभी हमें पता नहीं है ना मतलब कौन सी दिशा में उन लोग मतलब पंडित जी पूजा का वो स्थान मांडेंगे अच्छे से, मतलब पूजा का जिधर पूजा करेंगे, तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो इधर हमारी बहुत एक बड़ी चर्चा चल रही थी सोफा इधर रखने का जो पहले था उधर ही रखने का। तो फिर शेफल दी इधर आके बोली इधर ही रखते, उधर हमारा मंदिर भी वो साइड है ना तो शायद से उधर ही पूजा करेंगे। तो वो सब बातें चालू थी इधर, और फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया कि ये जिधर शेफल दी खड़ी है ना उधर ही रखेंगे, पुराने साइड नहीं रखेंगे सोफा। तो बस वही सब चालू था इधर उधर रखना। और बेडरूम में तो काम चालू ही था, अभी तक बेडरूम वगैरह साफ नहीं हुआ है, मतलब काम ख़त्म नहीं हुआ है। शाम के कुछ तो 5 बजने आए थे और बेडरूम का काम अभी भी बाकी था। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि पूजा कल होने वाली है, कैसी होगी पूजा, क्या होगा, तो देखते हैं आगे कैसा क्या होने वाला है। गाइस आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा रूम कैसा था, अभी एकदम चकाचक किए हम लोग ने, साफ सफाई कर दी ये रूम की, बाकी का नानी का रूम देख के आप लोग बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि ना इधर अभी पंडित जी आने वाले, उनको कल है ना कल गुड़ी पाड़वा है, तभी हमने पूजा रखी है, कल गुड़ी पाड़वा है और कल हम लोग ने पूजा रखी है। तो पंडित जी को दो दो तीन तीन जगह पूजा है, हम लोग ने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बोला ठीक है मैं 10 बजे आके 1 बजे तक खत्म कर दूंगा पूजा, उनको 1 बजे के बाद किधर और जाना है। तो उन्होंने क्या किया, बोले आज शाम को अभी आएगा कोई तो हमें उनके चेले या कोई भी रहेंगे दूसरे पंडित, वो आके जो मतलब जो सेटअप रहता है जो करने का रहता है वो पूरा करके जाएंगे, कल डायरेक्ट पंडित जी आएंगे और पूजा करने लगेंगे, तो वो आने वाले। तो इसलिए हम लोग ने जिधर हमको पूजा करवाना है ये हॉल पूरा साफ करके ले लिया है। तो अभी बेडरूम किचन वगैरह बाकी है सब साफ करना, फिलहाल ये सब हम लोग ने साफ करके ले लिया है। और अश्मिता दी लोग ने ये कारपेट लाए हैं डीमार्ट से, कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। आपको एक व्यू दे देती हूँ अच्छे से प्रॉपर।